एनसीईआरटी लिख लेना इसके ऊपर। जब एक रिंग में आप बी चेंज करते हो तो उसमें करंट जनरेट होता है, तो करंट जनरेट होता है उसमें चार्ज पास होता है, इसका मतलब करंट का मतलब चार्ज, तो कितना चार्ज पास हो गया ये आपको बताना है। तो मुझे पता है न्यूज डीएमएफ क्या होती है, डी फाइव बाई डी टी, करंट क्या होगा ई बाई आर, वन बाई आर इंटू डी फाइव बाई डी टी, करंट क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, डी टी डी टी क्या हो गया कैंसल, तो क्या आ गया स्मॉल डी क्यू की वैल्यू आ गई। स्मॉल चार्ज जब स्मॉल फ्लक्स डी फाइव चेंज होगा इसके इक्वल है, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके ये क्या जाएगा डेल्टा क्यू, ये क्या जाएगा डेल्टा फाइव, तो टोटल चार्ज कितना जाएगा एक वायर में, वन बाय आर टाइम्स टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड है, प्लीज फॉर्मूला याद करेंगे इसका। और ये लगाना कैसे है उसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक कॉइल पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड बी में, कॉइल की ओरिएंटेशन ऐसे है, कॉइल का रेडियस ए है, रेजिस्टेंस आर है, मैंने कॉइल को 180 घुमा दिया, ठीक 180 घुमा दिया, तो जब मैंने कॉइल को 180 घुमाया तो कह रहे चार्ज कितना चला गया, तो पहले मान लो बी वेक्टर अंदर है, एरिया वेक्टर भी अंदर है, लेकिन जब कॉइल 180 घूम गई तो एरिया वेक्टर बाहर आ गया, तो एंगल क्या हो गया 180, बी और एरिया में 180। तो इनिशियल जो टोटल चार्ज का फॉर्मूला भी किया, 1 बाय आर इंटू टोटल चेंज इन फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स क्या है बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो, और फाइनल में ना बी चेंज ना एरिया चेंज कॉस ऑफ 180, इनिशियल फाइनल फ्लक्स आ गया। दोनों को माइनस करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा डेल्टा फाइव चेंज इन फ्लक्स का, चेंज इन फ्लक्स को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा। कोई डाउट है इसमें?